नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। भारतीय क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली 5 T20 मैचों की सीरीज के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले ही भारतीय टीम को बहुत बड़ा झटका लगा है। जी हां, बहुत बड़ा झटका, क्योंकि कप्तान केएल राहुल पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं और केएल राहुल की अनुपस्थिति में अब कप्तान ऋषभ पंत कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। भारतीय टीम की पहली बार वो कप्तानी करेंगे, तो निश्चित तौर पर देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से भारतीय टीम प्रदर्शन करती है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से केएल राहुल के बाहर होने से बड़ा झटका लगा है, उससे अब भारत की सीरीज में संभावनाएं भी कम नजर आएंगी। लेकिन निश्चित तौर पर अब ओपनिंग जिम्मेदारी और दिलचस्प हो जाएगी कि कौन संभालेगा, क्योंकि 3 नाम एक जगह के लिए संघर्ष कर रहे थे। और अब देखना होगा कि ऋतुराज गायकवाड़, जो कि अब निश्चित तौर पर ओपनिंग करेंगे, उनके साथ ओपनिंग कौन करता है। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि केएल राहुल 5 मैचों की T20 सीरीज से पूरी तरीके से बाहर हो गए हैं। बताया गया है कि वो चोटिल हैं, जिसकी वजह से वो T20 सीरीज में उपलब्ध नहीं होंगे। 9 तारीख को अरुण जेटली स्टेडियम में पहला T20 मुकाबला होना है, लेकिन उससे पहले ही बहुत बड़ा झटका लगा है, केएल राहुल टीम से बाहर हो गए हैं। और वहीं इससे पहले सीनियर खिलाड़ी विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी पहले ही आराम उन्हें दिया गया है। तो निश्चित तौर पर युवा टीम उतर रही है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जो कि बहुत एक्सपीरियंस टीम लग रही है। तो ऐसे में ऋषभ पंत के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो दिल्ली कैपिटल्स की फ्रेंचाइजी की कप्तानी संभालने के बाद टीम इंडिया की कप्तानी संभालेंगे, तो निश्चित तौर पर वो जीत दिलाने के लिए निश्चित तौर पर प्रयास करेंगे। फिलहाल बहुत दिलचस्प होगा ऋषभ पंत की इंटरनेशनल क्रिकेट टीम की कप्तानी करते हुए देखना, लेकिन केएल राहुल का बाहर होना निश्चित तौर पर भारतीय टीम के लिए बड़ा झटका है। फिलहाल 5 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला जब खेला जाएगा, तो वहां पर ऋषभ पंत किस तरीके से कप्तानी करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरीके से भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है, केएल राहुल बाहर गए हैं, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।